तो गाइस बैकग्राउंड में देखो कितना मस्त लग रहा है, बगल में नदी है और नदी की मस्त आवाज आ रही है, और अभी हम मैगी ले आए, मैगी खाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट उठाऊ मैं, पीयूष अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है गेमिंग चैनल की। कैसे चल रहा है पीयूष? वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई है, अच्छी स्टार्टिंग हुई है गेम की। होगी तो पीयूष की पहली वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं तो सोच रहा था इसने सही रिकॉर्ड कर ली। तो फिर जाते हैं बाहर, नहाते हैं, रेडी होते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करना है। बाय द वे मेरे रूम के हाल देखो, कैसी भसड़ी मची हुई है, सारा सामान इधर, सारा सामान उधर, सारा सामान इधर, सारा सामान इधर। मेरी वीडियो में तो ऐसा एंगल दिखता ना, सिर्फ ये दिख रहा था। गुड मॉर्निंग ओली। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। धूप तो गाइज मस्त आ गई है। मम्मी यहाँ पे ठंड क्यों नहीं हो रही? मैं टी शर्ट में था रात भर, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, और पतले से कंबल में। रजाई तो हमने निकाली नहीं अब की बार। पापा जी सब्जी काट रहे हैं। कौन सी सब्जी है? पालक। अच्छा आज पालक बनेगी। तो भी गाइज नहा धो के मस्त रेडी हो गए। आज तैयारी चल रही है गाजर का हलवा बनाने की, तो पीयूष और बाबू अभी छिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ बने आज भटके डुबके। तो ये हमारा पहाड़ी खाना, भटके डुबके विद चावल। तो मम्मी यहाँ मेरे रूम की साफ सफाई में लग गया। मम्मी यार मैं खुद ही कर लेता यार, करता तो हूँ यार, मैं ऐसे हंसू मत यार। तो क्या हुआ, दोबारा सोना ही होता, बड़े ध्यान दिया करो। मतलब ऐसा कर, ये थाली भी ऐसे ही रख दे, जो दो कल खाना ही तो होता है इसमें। अरे यार थाली की बात अलग है ना। क्यों नहीं है बिस्तर? अब देखो अब रात को मैं आऊंगा तो मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा, उसको पड़ा रहेगा तो सीधा घुसूंगा उसमें। तो मम्मी जी ने सारा सामान उठा दिया, कहाँ रख दिया? अब यहाँ रख दिया, ठीक है। अब रात को मैं उठा के इसको नीचे रख दूंगा। ये जो मेरा रूम है ना, ये लिटरली बहुत ही छोटा रूम है। अगर आप मेरे लास्ट वाले रूम से कंपेयर करोगे, जो स्टूडियो था हरियाणा में, वो तो बहुत ही इससे मतलब 5 गुना ज्यादा बड़ा था, तो वहाँ पे आराम से सारा सामान आता था, लेकिन यहाँ बसर मच जाती है सारा। एक और ऊपर से गेमिंग पीसी भी आ गया, और भी काफी चीजें नई आ गई हैं, तो मुझे नया स्टूडियो बनाना पड़ेगा। तो नया स्टूडियो का काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वैसे वीडियो में बड़ा दिखता होगा, लेकिन ये लिटरली बहुत छोटा है। आप अंदर घुसोगे कहोगे इतना छोटा, जो भी सब्सक्राइबर आता है ना, इतना छोटा, वीडियो में तो बड़ा दिखता है, लेकिन ये बहुत छोटा रूम है। तो बाहर चलते हैं, दो बैठ खाएंगे मस्त। तो फिर उसने कसना भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। चलो शुभम और सोनू भैया आ गए। ओ पहचान गया भाई, हाथ मत छिल दियो, एक दिन मेरा हाथ छिल गया था, फिर खून से भर गया था। ये नॉन वेज गाजर का हलवा हो जाएगा। तो अभी गाइस शुभम और सोनू भी आए हैं, और अभी हमारा प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का। बाकी ऐसे घूमने जा रहे हैं, ड्रोन वन उड़ाएंगे, पहाड़ पे जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ तो लिटरली बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, हम जा रहे हैं ठंड में सीधा पहाड़ पे। क्या यार एसी चलाना पड़ रहा है भाई? सामने का व्यू देखो कितना मस्त हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है सामने। यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है क्योंकि मिलिट्री एरिया आई थिंक, तो ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। तो भी गए तुम यहाँ पे आए थे ऑफ रोडिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बिकॉज ये देखो खतरनाक है। यहाँ पे गाड़ी ले जा सकते, वहाँ पे नदी है। अभी फिलहाल थार यहाँ पे खड़ी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रुके, थार यहाँ पार्क कर दिया मैंने, तो यहाँ से ड्रोन उड़ाता है। यहाँ से ना पानी की आवाज आ रही बहुत ज्यादा नदी की ना, इसके बाद नहीं आएंगे। मैगी खाएगा? कोई नहीं आज खा लियो। ये आ गया मैगी। तो यहाँ पे रख के उड़ा सकते हैं और क्या? From the first whistle, we go all in, and one, call it. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me. Yeah. No babe proud of me, so I throw pride away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now, तो गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब जब भी हम ड्रोन उड़ाते हैं ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। जल्दी उतारना पड़ेगा इसको, अभी तो शॉट लिए ही नहीं थे हमने कुछ भी। तो अभी गाइस थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ा लिया, लेकिन यहाँ बारिश आने लगी तो हमको उतारना पड़ा। अब चलते हैं वहाँ ब्रिज पे चलते हैं। ड्रोन तो मेरे पास है और सौरदा वहाँ गाड़ी लेके आ रहे हैं। Spending no money, never touching the bank. पहाड़ों पे गाड़ी पार्क करने में भी एक झंझट है यार, बिल्कुल कोने में खड़ी करनी पड़ती है, बिकॉज रोड काफी पतली होती है ना। तो फिलहाल मैं दबा रहा हूँ गाड़ी को, ये देखो कैसे दबाई है। गेट ही नहीं खुल रहा, ज्यादा दबा दी मैंने, बट कोई बात नहीं, इतने में से निकल ही जाऊंगा मैं निकल के। तो अभी थार वहां पार्क कर दिया, अब जा रहे हैं ब्रिज पे। तो अभी गाइस यहाँ पे ब्रिज पे हमको रोक लिया, कह रहे आगे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है थिंक। क्या कर रहा है भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी तू भी।
तो गाइस यहाँ तो खतरनाक वाला शूट चल रहा है लेट लेट के, और ये पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं। जब भी ड्रोन हम नहीं उड़ाते बारिश रुक जाती है, अब दोबारा ड्रोन उड़ाएंगे। सो गाइस अभी यहाँ पर दूसरी बार ड्रोन निकाला जा रहा है। सौरदा कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। ला 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 बाय। The stick is with it and I hit the 4-5 on the wet side, but I'm finna eat side. This how we slide, this how we ride, yeah yeah, this how we ride. Gone pro, no lead, no lead, make it easy like 1-2-3. Go go on 3-2-1, I fly till you can't see me. Swish, yeah, falling from the first whistle, we go all in and one. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर, बिकॉज वहाँ से हम मैगी ले लेंगे और वहाँ पर नीचे बहुत सारे पत्थर थे ना, वहाँ पर बैठ के खाएंगे। सुंदर और मैं जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पर बैठे थे, मैगी बन रही है वहाँ। सो गाइस मैगी तो पैक करवा ली है, इसके अंदर ऐसे पैक कर दी अंकल जी ने, और मेरी अभी प्लेन वाली आ रही है। सो गाइस अभी मैगी और पानी तो ले लिया, अब चलते हैं नीचे भाई। वहाँ अभी भी घेर रखे हैं सरदा को। तो गाइस फोटोज वोटोज ले लिए, ड्रोन उड़ा लिया है, और अब चलते हैं सीधा कुछ खाने के लिए। आप भी ब्लॉगर हो? आप ब्लॉगर हूँ, आपने बना के आता था इसलिए मैं आपके उधर को आ नहीं रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी वीडियो में कह नहीं दिया। अच्छा देख लो गाइस देख लो, तो जो ये कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। वहाँ ना जाए, इनके घर में पहाड़ी आते रहते हैं, कहीं ना कहीं सौरभ भाई आपको मिलते रहेंगे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे आया था तो इन सबसे मिल लिया, अच्छे से मिल लिया तो अच्छा लगता है, लेकिन घर के बाहर भीड़ लग जाती है ना तो बहुत गलत है। जैसे कि देखो सर ने बोला कि इनको पता है मेरा घर कहाँ पे है क्या है, लेकिन ये आ नहीं रही क्योंकि मैंने मना किया। मैं हल्द्वानी में बहुत साल से रह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास, कृपया बिना बुलाए बिना परमिशन के किसी के घर भी, किसी एटलीस्ट कोई भी हो, फेमस हो ना हो, आपके स्टाफ तो है हो, कोई भी हो, मतलब कॉमन मैन भी हो, आप तो चलो फेमस बंदे हो गए, कोई भी हो, अगर वो मना कर रहे हैं वो रीजन से कर रहे होंगे। तो फाइनली बैटरी खत्म हो चुकी है और मेरे को उतारना पड़ा, लेकिन बहुत मजा आ रहा था उड़ाने में आज। रोस्टिंग हल्का फुल्का भाई, कहीं पता लग रहा है कल फिर वीडियो डाल दोगे आप, तो इनसे मिलो, ये रोस्टर गेमर। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरे ऊपर आने वाली है ना, मुझे तो लिटरली डर लगता है कोई वीडियो बनाता है ना, तो मुझे लगता है कि यार, अरे नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझे लिटरली डर लगता है कोई वीडियो बनाता है ना कि हाँ यार ये सामने से तो अच्छे से मिल रहा है, पीछे से वीडियो में मतलब थंबनेल तो मिल जाता है उनको। तुम मेरी वीडियो थी, मेरी मैं ना आप भी देखते हो? थैंक यू प्रणाम। तो अभी हम यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए, एंड काफी सारे हमारे फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर मिले यहीं के आसपास के। तो पीयू जाके मैगी बनवा के लिए आया, अभी हम जा रहे हैं नीचे नदी में, नदी में बैठ के मैगी खाएंगे, नदी में बैठ के बीचों बीच, पीछे से पानी आ रहा है हम खा रहे हैं। आराम से चल। अरे यहाँ पे तो मस्त लग रहा है यार, है ना ये? अरे हाँ पहले मैगी खाते हैं, नदी के बगल में बैठ के खाएंगे ना। तो गाइस बैकग्राउंड में देखो कितना मस्त लग रहा है, बगल में नदी है और नदी की मस्त आवाज आ रही है, और अभी हम मैगी ले आए हैं, मैगी खाते हैं। तो सोनू भैया यहाँ पे मैगी डाल रहे हैं सबके लिए, एकदम मस्त वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह के ना बहुत सारे हिडन प्लेस है यहाँ पे हल्द्वानी के बगल में, तो वो सारे एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके। ध्यान से भाई, ध्यान से गिर गया कि ध्यान, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से आ जाओ यार। थैंक यू यार, अब चढ़ने में दिक्कत है बस। ओ भाई बैठ गए। शहर में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमारे बोनट पे देखो कितना पानी पानी है, सबको चल जाएगा पता कि हम बारिश से आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल मेरा डिनर भी आ गया, दही गाजर का हलवा एंड रोटी एंड ये सब भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब गाइस मुझे भी करनी है अपने ब्लॉग की एडिटिंग, तो आज मैंने रिकॉर्ड किया इस कैमरे से, ड्रोन से, इस कैमरे से, इस फोन से और इस फोन से। तो आज के ब्लॉग की सारी फुटेज इन सब में है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब मुझे सबका डाटा लैपटॉप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन कहाँ पे शूट किया था। तो आज के ब्लॉग में बहुत टाइम लगने वाला है एडिट करने में, लेकिन मजा आएगा, ड्रोन शॉट मस्त 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 आए हैं और 360 मस्त मस्त आए हैं। तो ये पीयूष की वीडियो आधी एडिट हो गई है, आधी बाकी है, तो टाइम लग रहा है काफी ज्यादा। ओए फेदर का टेक्सचर अलग है। तो भी गाइस रात के 3 बजने वाले हैं, अब जाके व्लॉग एडिट हुआ है, ड्रोन फुटेज थे, सबसे ज्यादा टाइम तो 360 में लगता है यार, क्योंकि हर एंगल पे शूट करते हैं ना, उसमें मुझे देखना है कि मुझे आप लोगों को क्या दिखाना है।
तो आधे से ज़्यादा टाइम तो उसमें लगता है, बाकी तो मेरी नॉर्मल एडिटिंग होती है, बाकी ड्रोन फुटेज हाँ वो लेकिन देखना पड़ता है कैमरे कौन से कैमरे से कहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग का भी तो होता है ना, फिर टाइमिंग देखना पड़ता है कि कौन सा पहले शूट किया था कौन सा सीन बाद में शूट किया था, तो वो दिक्कत होगी। इसलिए मतलब आज 5 घंटे लग गए मुझे एडिटिंग करने में, बट जो भी आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do not try this at home, please, guys. अच्छा home पे होना भी तो चाहिए थी। And I hit the 4-5 on the west side, but I'm from the east side. This how we slide, this how we ride, yeah, yeah, this how we ride.